हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज। आप देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी चैनल। माय नेम इज विभु गुप्ता। आज हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स फॉर जेई मेंस। तो जेई मेंस में अब अराउंड 2 वीक्स रह गए हैं एंड दिस इज टाइम फॉर रिवीजन। सो वी आर रिवाइजिंग रोटेशनल मैकेनिक्स विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं जेई मेंस में ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। So let us see. So these are some of our top educators who teach on Unacademy Plus, including me. On Unacademy Plus, you can watch special classes, and on Unacademy Plus, you feel almost like a normal classroom. You can chat with the educator. You can take part in interactive polls. You can learn anytime, anywhere. So this is our subscription plan. So if you subscribe for 12 months. The cost is around 2500 rupees per month, and if you use my code VGLIVE, Vibhu Gupta Live, you get another 10% discount. अगर आप 2 साल का subscription लेते हैं तो 2000 रुपये per month पड़ता है आपको, which is very nominal. And if you use my code VGLIVE, you get 10% additional discount. So just download the Unacademy Learning app and click on IIT JEE to get resources of all IIT JEE material on Unacademy app. Use my code VGLIVE. So let us start with today's class. आज कई सारे problems करने वाले हैं हम लोग for IIT JEE Mains. Let us start with the first problem. So a particle of mass m is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. Find the angular momentum of the particle about point of projection when particle is again at same horizontal level. ठीक है? तो u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है हमने, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो जब यहां पे नीचे आया होगा तो इसकी वेलोसिटी u हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी u हो गई होगी और ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। और हमें इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेंज क्या होती है? रेंज होती है 2u² sin थीटा cos theta divided by g, ये रेंज होती है। और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, परपेंडिकुलर मोमेंटम कितना है, mu sin theta परपेंडिकुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट, विच इज mu sin theta मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। तो ये आ गया हमारा, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये sin 2 थीटा की टर्म्स में ले आते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 2 थीटा। तो ये हो जाएगा u क्यूब साइन 2 थीटा एम यू क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गया आंसर। तो कौन सा है ये, एम यू क्यूब साइन 2 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, विच इज ए। ठीक है, क्लियर है बात, फाइन। Let us see next question. A thin circular disc of mass m and radius r rotating about its axis with a constant angular speed omega. 4 small blocks each of mass m are attached gently to opposite ends of the 2 diameters of the disc. The angular speed of the disc will be, what will be the angular speed of the disc?
ठीक है, तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन. क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पे? सो द कंसेप्ट विल बी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंसेप्ट विल बी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. वी हैव ए डिस्क, वी हैव ए डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r एंड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? आई ओमेगा. तो ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा. और बाद में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि यहां पे चार ब्लॉक्स रख दिए हैं, चार छोटे छोटे ब्लॉक्स रख दिए हैं, तो यहां पे आ जाएगा एम, 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 यहां पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर माने फोर एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डैश. ठीक है, तो ये आ गया है यहां पे. आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी ओमेगा डैश इज इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस एट एम. ठीक है, एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस एट एम. दिस इज आंसर इज सी, आंसर विल बी सी. ठीक है, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. A disk of mass m and radius r is rolling with angular speed omega on a horizontal surface. The magnitude of angular momentum about origin O is. So this is a disk of mass m and radius r. We have a disk of mass m and radius r. और ये origin के about देखना है हमें. So angular momentum होता है, एक तो होता है ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से हो जाएगा एम वी आर. देखिए ट्रांसलेशन की वजह से किस तरफ होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस तरफ है, मोमेंटम इस तरफ है, ये आर कैप होगा, तो आर क्रॉस पी होता है, तो ये इस तरफ हो गया, तो ये हो गया इस तरफ. प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखा जाता है विच विल बी आई ओमेगा. आई कितना हो जाएगा यहाँ पे? एम आर स्क्वायर बाय टू, क्योंकि डिस्क है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. दिस विल बी ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. और क्या है यहाँ पे? प्योर रोलिंग दिया हुआ है, प्योर रोलिंग दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू. सो दिस विल बी थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर ओमेगा. So angular momentum will be equal to 3 by 2 mr square omega. ठीक है, so let us see next question. A non-uniform rod OA of linear mass density lambda is equal to lambda naught x is suspended from ceiling with hinge joint O and light string as shown in the figure. Find the angular acceleration of the rod just after the string is cut. ठीक है, तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, यहां पे क्या कंसेप्ट क्या होगा? देखिए पहली बात तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा होगा mg, और ये उसके बाद फिक्स एक्सिस रोटेशन होगा, और फिक्स एक्सिस रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो टॉर्क कितना हो जाएगा? mg. पहले तो ये भी निकालना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, एक्सीएम निकालना पड़ेगा, और फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा निकालना है, तो आई भी निकालना पड़ेगा. तो ये काफी मेहनत वाला क्वेश्चन है जी, ये काफी मेहनत वाला क्वेश्चन है. तो पहले तो टोटल मास निकालना है, हमें टोटल मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है. क्या क्या चाहिए हमें? टोटल मास चाहिए, हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए.
तीन चीजें चाहिए, तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास निकालने के लिए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंट लेता हूं, तो यहाँ पे इसका मास हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा लैम्डा डीएक्स। तो ये हो गया लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, तो टोटल मास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन 0 से एल। तो ये हो गया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 माने एल स्क्वायर बाय। तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन, मास आ गया। अब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम माने लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डीएम, और नीचे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वो तो कर रखा है हमने, ये होगा लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2। तो लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, तो ये आ गया एल क्यूब बाय 3 एल स्क्वायर बाय 2, तो 2L बाय 3 आ गया। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई है हमारे पास 2L बाय 3। उसके बाद क्या निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स स्क्वायर डीएम, डीएम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या था लैम्डा नॉट एक्स, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स क्यूब डीएक्स। तो ये हो गया लैम्डा नॉट एक्स फोर बाय फोर एल फोर बाय फोर, एल फोर बाय फोर। ठीक है, तो अब देखना है हमें यहां पे टॉर्क कितना होगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आ गए हम पोजीशन में, ये तीन चीजें निकालना जरूरी थी। अब हम जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वी हैव टू यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो फोर्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स सी एम। तो ये हो गया एम जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स सी एम इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो एम कितना हो गया है यहाँ पे, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय टू जी एक्स सी एम, एक्स सी एम कितना है 2L बाय 3 इज इक्वल टू आई, आई कितना है लैम्डा नॉट एल फोर बाय फोर, लैम्डा नॉट एल फोर बाय फोर मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा ही तो चाहिए, हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4G डिवाइडेड बाय 3L, ये आ गया अल्फा। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है हमारे पास और क्या करा है हमने, सो मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग डीएम, सो यहां पे लैम्डा दिया हुआ था तो इसको इंटीग्रेट करके एम निकाला। उसके बाद सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाली, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स डीएम अपॉन डीएम, तो ये आया 2L बाय 3। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डीएम,
तो ये आया लैम्डा नॉट एल फोर बाय फोर, और उसके बाद क्या इक्वेशन यूज करी, टॉर्क इज इक्वल टू आई आल्फा। टॉर्क कितना था, टॉर्क है हमारा एम जी इंटू एक्स एम, क्योंकि एम जी यहाँ पे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स एम, तो एम जी इंटू एक्स एम इज इक्वल टू आई आल्फा। आई कितना है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि निकाला है हमने, इंटू आल्फा, ठीक है, तो आल्फा आ गया यहाँ पे। फाइन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of mass M and length L is placed in a horizontal plane with one end hinged about the vertical axis. A horizontal force of F is equal to mg by 2 is applied at a distance 5L by 6 from the hinged end. ठीक है, the angular acceleration of the rod is, so there is no gravitation here because this is a horizontal plane, because this is a horizontal plane there is no gravitation, so ये इस तरीके से टेबल पे रखा हुआ है, there is a table here, और टेबल के ऊपर क्योंकि ये horizontal plane बोला हुआ है ना, टेबल के ऊपर ये vertical axis है और ये एक rod है, ये एक rod है, इसका रॉड का मास है m और लेंथ है l, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ f इज इक्वल टू mg बाय 2 इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस 5l बाय 6 फ्रॉम द हिंज्ड एंड, तो एक जो हिंज्ड एंड है इसे 5l बाय 6 डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है हमने mg बाय 2, ठीक है, तो ये इसके अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा यहां पे एम जी बाय टू इंटू फाइव एल बाय सिक्स, तो ये हो जाएगा एम जी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव एल बाय सिक्स इज इक्वल टू, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पता है क्या आपको, so इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू अल्फा, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे टू आ जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा विल बी 5g बाय 4l, 5g बाय 4l विल बी द आंसर, ठीक है, समझ गए बात को आप। लेट्स सी दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट 1 बाय nth ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास देन द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी नियरली, व्हाट विल बी द क्या कांसेप्ट होगा यहां पे, Since there is no external force, the concept will be that there is conservation of angular momentum. क्योंकि कोई external force नहीं है, इसलिए यहाँ पे angular momentum conserved होगा, और angular momentum conserved होगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो जैसे मास m था, सॉलिड स्फीयर मानकर चलता हूं मैं, तो 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा, अभी क्या हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस जो है कंट्रैक्ट्स टू 1 बाय nth ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, इसका मतलब जो रेडियस है वो r बाय n हो गया है, मास तो उतना ही रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 बाय 5 m, रेडियस जो है 1 बाय nth ऑफ द प्रेजेंट रेडियस हो गया है, तो ये हो जाएगा r बाय n का स्क्वायर ओमेगा डैश, तो ये 2 बाय 5 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा नॉट 1 बाय n स्क्वायर ओमेगा डैश, ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय t नॉट इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर 2 पाई बाय टी डैश, 2 पाई कैंसिल हो गया,
तो टी डैश हो जाएगा टी नॉट बाय एन स्क्वायर। और इनिशियल टाइम पीरियड कितना है पता है आपको? ये तो पता ही है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है रोटेशन का? 24 आवर्स। टाइम पीरियड आ गया 24 आवर्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, 24 आवर्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। सो द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन विल बी 24 आवर्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a sphere rolls down without slipping on an inclined plane of inclination theta. ये कीजिए क्वेश्चन। तो स्फेयर बोला हुआ है तो माने सॉलिड स्फेयर लिया जाता है, ठीक है ना? स्फेयर बोले है तो ये सॉलिड स्फेयर लिया जाएगा, ठीक है। सो अ स्फेयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, व्हाट इज द लीनियर ऑसिलेशन एज द स्फेयर रीचेस द बॉटम। मतलब ये स्फेयर है, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? एम जी साइन थीटा इस तरफ और फ्रिक्शन इस तरफ, ठीक है। और इसकी कुछ एसलेशन होगी ए और एंगुलर एसलेशन होगी अल्फा। तो अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यहां पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट क्या है यहां पे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। नेट फोर्स कितना था? एम जी साइन थीटा माइनस एफ। So net forces mg sin theta minus f. So mg sin theta minus f is equal to mass into acceleration. और दूसरी equation क्या होगी? Torque is equal to I alpha. Torque कितना होगा? F into R. Torque होगा F into R. तो F into R is equal to I alpha. I alpha. I alpha moment of inertia कितना हो जाएगा sphere का? 2 by 5 mr square. अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाय आर। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग होनी है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए। प्योर रोलिंग होनी है इसलिए ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा यहाँ पे। तो ये एक आर कैंसिल हो गया, दूसरा आर भी कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 by 5 + 1 तो 7 by 5 एम ए। एम कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू 5 by 7 जी साइन थीटा। ठीक है, A विल बी इक्वल टू 5 by 7 जी साइन थीटा, विच इज आंसर इज A। सो लेट अस try this question. A solid cylinder of mass m and radius r released from rest on a smooth inclined plane of length l and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? So यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये rolling नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। This is what we call a trick question. ये trick question है, ये trick है यहाँ पे। कैसे आ रही है ट्रिक? क्योंकि ये दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि ये दिस इज ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। व्हाट इज इट? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ यहां पे mg sin थीटा लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना यहां पे। तो ये कितना हाइट नीचे आया है, कितनी हाइट नीचे आया है? h हाइट नीचे आया है। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अगर यहां पे रोलिंग हो रहा होता, अगर यहां पे फ्रिक्शन होता
अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, पता है आपको? इफ इफ देयर वॉज फ्रिक्शन, इफ देयर वॉज फ्रिक्शन, इफ देयर वॉज फ्रिक्शन तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, पता है आपको? 3/4 mv square. तो मैं लिखता 3/4 mv square इज इक्वल टू mgh. तो v हो जाता 4gh/3 का रूट, रूट ऑफ 4gh/3. तो अगर यहां पे फ्रिक्शन भी होता तो यहां पे हो जाता रूट ऑफ 4gh/3. ठीक है, फाइन, क्लियर है बात? एनी क्वेश्चन हेयर? Any question here? So let us see the next question. So there is a rod of length L. There is a rod of length L. The velocities of its two ends are v1 and v2 in opposite directions normal to the rod. The distance of the instantaneous axis of rotation from v1 is. ठीक है? So there is a rod of length L. Velocities of its two ends are v1 and v2 in opposite directions normal to the rod. The distance of the instantaneous axis of rotation from v1 is. क्या होगा यहाँ पे? So we have a rod जिसकी length L है and the velocities of its two ends are v1 and v2 in opposite direction. इसका मतलब इस end की velocity है v1 इस तरफ और इस end की velocity है v2 नीचे की तरफ. So distance of instantaneous axis of rotation. तो instantaneous axis of rotation इस line पे होगा. हमेशा ना ये जो दो वेलोसिटी दी हुई हैं इनके परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है यहां पे होगा. अब लेट अस सपोज यहां पे है, लेट अस सपोज ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, लेट अस सपोज ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो लेट अस सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज एल माइनस एक्स. ये एक्स है और ये एल माइनस एक्स है. ठीक है, और ये यहां पे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी लेट अस से ओमेगा. तो अपन क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट तो प्योर रोटेशन माना जाएगा. जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अपन मानते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है. तो ये हो जाएगा एक्स इंटू v1, सॉरी एक्स इंटू ओमेगा, एक्स इंटू ओमेगा हो जाएगा. v1 जो है एक्स ओमेगा के बराबर हो जाएगा. और v2 क्या है, प्योर रोटेशन में, ये प्योर रोटेशन में ओमेगा से घूम रहा है. एल माइनस एक्स दूरी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 विल बी इक्वल टू एल माइनस एक्स ओमेगा, ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया एल ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा. हमें चाहिए क्या, एक्स चाहिए हमें, हमें यहां पे एक्स चाहिए. ठीक है, तो क्या करें, पहले ओमेगा निकाल लेते हैं फिर एक्स आ जाएगा यहां पे. तो ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2. एक्स ओमेगा कैंसिल हो गया, ये आ गया एल ओमेगा. इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय L. ठीक है, तो उसको इस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 तो x इज इक्वल टू v1 L v1 प्लस v2. ठीक है,
ठीक है, v1l v1 plus v2 which is this answer. तो कंसेप्ट क्या था कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा होता है, और प्योर रोटेशन में इस एंड की वेलोसिटी हो जाएगी एक्स ओमेगा, जो कि वी वन हो गया, ये एक्स ओमेगा हो गया, और ये एल माइनस एक्स ओमेगा हो जाएगा, हो जाएगा एल माइनस एक्स ओमेगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंपल्स पी इज अप्लाइड टू द एंड बी. द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू ए राइट एंगल इज. ठीक है, तो ये रॉड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ग्रेविटेशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पे, और ये इंपल्स लगाए यहां पे, दिस इज इंपल्स पी, और इस इंपल्स की वजह से क्या होगा पता है आपको, इस इंपल्स की वजह से, इस इंपल्स की वजह से इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे, इंपल्स पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो दिस विल बी एम वी माइनस जीरो, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन होगी एंगुलर इंपल्स की, एंगुलर इंपल्स कितना होगा, इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां पे, l बाय टू, पी इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू आई ओमेगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, एम एल स्क्वायर बाय 12 आई इंटू ओमेगा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, सो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा कितना आ गया यहां पे, 6p डिवाइडेड बाय सॉरी एम एल, 6p डिवाइडेड बाय एम एल ओमेगा हो गया, एंड वेलोसिटी हो जाएगी p बाय एम. ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा पी बाय एम. अब क्या पूछा हुआ है, टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू 90 डिग्री, तो बस कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है ये, कांस्टेंट ओमेगा से घूमने में क्या होता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो टी हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू, ओमेगा कितना था, 6p डिवाइडेड बाय एम एल, तो ये आ गया आंसर पाई एम एल डिवाइडेड बाय 12 पी. सो दिस विल बी द टाइम इट विल टेक टू कन्वर्ट टू टर्न बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमने में इतना टाइम लगेगा इसको. ठीक है, तो 90 डिग्री घूमने में इसको इतना टाइम लगेगा. तो निकाला कैसे, एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन यूज करी, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो p इंटू एल बाई टू जो है i ओमेगा के बराबर हो गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, तो यहां से ओमेगा आ गया हमारे पास 6p अपॉन ml, और इसके बाद क्योंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, ओमेगा आ गया है यहाँ पे, ओमेगा पता है हमें, t आ गया इतना, t इज इक्वल टू पाई एम एल बाय 12 पी. ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. A solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is applied at height h from the lowest point for the maximum acceleration of center of mass, which is correct. बताइए क्या होगा यहां पे? What will be the answer? Answer will be this. ये answer हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन है.
स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दैट मीन्स देर इज नो फ्रिक्शन, दैट मीन्स देर इज नो फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की ऑसिलेशन है वो F अपॉन m ही होगा, चाहे ये फोर्स यहां पे लगाएं, 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 हाँ ओमेगा विल बी डिफरेंट, ओमेगा विल बी डिफरेंट, लेकिन ओमेगा के बारे में बात ही नहीं करी है, ओमेगा के बारे में बात ही नहीं करी है, यहां पे सेंटर ऑफ मास की ऑसिलेशन F बाय m होने वाली है, ओमेगा के बारे में तो बात ही नहीं करा है। तो F is applied at height h from the lowest point for maximum oscillation of center of mass. There is no relation between h and r. For every h, oscillation is F by m. किसी भी height के लिए, किसी भी height की positive हो, negative हो, value के लिए center of mass की oscillation F by m है। हाँ, omega की बात करी होती तो सोचते फिर भी, लेकिन omega की बात ही नहीं करी, alpha की बात ही नहीं करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे answer will be no relation between h and r. ठीक है? Fine. So, आज यहीं रुकते हैं हम लोग, टुडे इज गोइंग टू बी अ लिटिल शॉर्टर क्लास, सी यू टुमारो, एंड तब तक पढ़ते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, यूज माय कोड VG लाइव, लाइक सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।